एक ऐसा रहस्यमय मंदिर और ऐसा शिवलिंग जो सोने की तरह चमकता है, साथ ही ये सोने से भी बना हुआ है। देश का एकमात्र शिवलिंग जो सोने का बना है। क्या है इसके पीछे की खास कहानी, आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, हमारे देश में वैसे तो भगवान शिव के कई मंदिर हैं, लेकिन कानपुर पर स्थित पांचालेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में बहुत ही खास है। कहा जाता है कि द्वापर युग में वनवास के दौरान पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने इस स्थान पर शिव जी की तपस्या की थी। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। माना जाता है कि द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने आशीर्वाद देने के बाद इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान खुद को किया था। और कहा जाता है कि तब से ही यह मंदिर पांचालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे अलग बात जो इस मंदिर को औरों से अलग करती है वो है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयं सोने का बना हुआ है। दोस्तों, यह मंदिर कानपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर रघुनाथपुर गांव में स्थित है। जानकारों का कहना है कि कई साल पहले यहां पर बंजारों की टोली आई थी, यहां स्थित सुनहरे शिवलिंग को देखकर उसे खोदने लगे, जिस कारण शिवलिंग खंडित हो गया। कहा जाता है कि जैसे ही शिवलिंग खंडित हुआ उससे निकले सांपों ने बंजारों को डस लिया। बताया जाता है इसके बाद संतों की टोली ने यहाँ पर तपस्या कर भोले बाबा का क्रोध शांत किया था। वहीं दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि शिवलिंग के पास 8 काले नाग देखे जाते हैं। यही कारण है कि मंदिर निर्माण के वक्त गुम्बद के अंदर 8 सांपों की आकृति बनाई गई है। यहाँ के स्थानीय और मंदिर के पुजारी बताते हैं कि आज भी गर्भगृह में सांप देखे जाते हैं। वो सांप कहाँ से आते हैं और कहाँ को जाते हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उस मंदिर में कोई भी गुप्त रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है द्वार, जहाँ से भक्त अंदर आते हैं, शिवलिंग के दर्शन करते हैं और उसी से बाहर जाते हैं। ऐसे में सांप कहाँ से आते हैं ये किसी को नहीं पता। यहाँ के स्थानीय और मंदिर के पुजारी ये भी कहते हैं उनके द्वारा रात में गर्भगृह में दूध भी रख दिया जाता है, जो सुबह पूरी तरह से खाली होता है। कहते हैं रात में गर्भगृह में सांप आते हैं, दूध का सेवन करते हैं, शिव जी की रक्षा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है ये खास शिवलिंग जो सोने का बना हुआ है। कहते हैं कि अगर आप इसे धूप के समय देखेंगे, यानी कि जब सूरज आपके बिल्कुल सर के ऊपर होगा, तब यह शिवलिंग अपने आप ही सूर्य की तरह चमकता है। और इस पर लगा हुआ सोना आखिर कितना महंगा है और कितना कैरेट का है ये किसी को भी नहीं पता। इस शिवलिंग की देखभाल करने के लिए यहाँ पर 24/7 एक पुलिस वाले को भी नियुक्त किया गया है, ताकि कोई भी इस खास शिवलिंग को छू ना सके और ना ही इसे चुराने की कोशिश कर सके, क्योंकि दुनिया का एक लौता ऐसा शिवलिंग है जो सोने का बना हुआ है और रात में भी यह चमकता है। साफ तौर पर अगर देखा जाए भगवान शिव का शिवलिंग हमेशा वैसे काले पत्थर के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये खास तौर पर अपने किस्म का एक लौता ऐसा शिवलिंग है जो सोने का बना हुआ है। दोस्तों, आपके क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।